पास फोटो सेल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, फोटो सेल है। तो फोटो सेल द वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब देखो फोटो सेल क्या होता है, फोटो सेल या जो सोलर सेल है या फोटो सेल है, सोलर सेल जब उस पर लाइट पड़ती है तो एनर्जी रेडिएट होती है, सिंपल सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है भाई। सेमी कंडक्टर मटेरियल है, उस पर क्या है कि हमने लाइट एनर्जी इंसिडेंट कराया, तो लाइट एनर्जी इंसिडेंट कराया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्टिविटी करता है, और उस कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो फोटॉन्स पड़ता है वो इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर देता है और कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। पूरा डिटेल में आप पढ़ना। तो जितना ज़्यादा फोटॉन आएंगे, जितना ज़्यादा फोटॉन पड़ेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी और उतना ज़्यादा हमें पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। मतलब इंसिडेंट इंटेंसिटी, जो फोटॉन आ रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है, जितना ज़्यादा फोटॉन होंगे उतना ज़्यादा यहाँ करंट मिलेगा, पावर मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ अगर देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ऐसे, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन और करंट जनरेटेड या पावर या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यह इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेल, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट करंट होगी, उतना ज़्यादा पावर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और बैरियर पोटेंशियल ऑफ द पीएन जंक्शन, ये सारे गलत हैं, चेक कर लेना। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेल, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी से जो है वो एनर्जी बढ़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, इंटेंसिटी नहीं बढ़ती यार, पावर नहीं बढ़ेगा। चलो चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग द फास्ट डिस्टर्बेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अब ये बहुत